इस वीडियो में हम पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अडोबी इलस्ट्रेटर में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाथ है क्या। अडोबी इलस्ट्रेटर में हर ड्राइंग लाइनों से मिलकर बनी होती है। उन लाइनों में हर लाइन को अडोबी इलस्ट्रेटर में एक पाथ कहा जाता है। इस तस्वीर में हमें एक पाथ की 16 हालतें नज़र आ रही हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर में हर ड्राइंग एक पाथ या हज़ारों पाथ से मिलकर बनी होती है। उन पाथ्स में से हर पाथ हमें यहाँ पर मौजूद 16 हालतों में से किसी एक हालत में मिलेगा। इसके अलावा हमें पाथ किसी और हालत में नहीं मिलेगा। तो अभी हम पाथ की इन 16 हालतों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये एक कर्व पाथ है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, और ये एक ओपन पाथ है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही लोकेशन पर मौजूद नहीं है, और इस पाथ को ना तो कोई स्ट्रोक लगा हुआ है और ना ही इसकी कोई फिल है। उसके बाद हम इसे अगला पाथ देखते हैं जो कि वही ओपन पाथ है, मगर इस पर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक अप्लाई किया गया है। इसी तरह यहाँ पर तीसरा आइटम भी वही पाथ है और इस पर सिर्फ और सिर्फ फिल अप्लाई की गई है। अडोबी इलस्ट्रेटर हर पाथ के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक ना नज़र आने वाली स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता है, और इस सूरत में जो एरिया बनता है उसको वो फिल कर देता है। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक वही ओपन पाथ है, मगर इस पर स्ट्रोक और फिल दोनों अप्लाई की गई हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी एक पाथ है लेकिन इसमें दो कर्व मौजूद हैं। तो ये डबल कर्व वाला पाथ है लेकिन इसमें भी कोई स्ट्रोक और कोई फिल नहीं की गई। इसी तरह यही डबल कर्व वाला पाथ यहाँ भी मौजूद है और इस पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक अप्लाई किया गया है। मज़ीद यहाँ पर देखते हैं कि ये भी वही पाथ है और इस पर सिर्फ और सिर्फ फिल अप्लाई की गई है। यहाँ पर अडोबी इलस्ट्रेटर ने इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान एक नज़र ना आने वाली लाइन लगाई, और एज आ रिज़ल्ट दो एरियाज़ बन गए और उन दोनों एरियाज़ को अडोबी इलस्ट्रेटर ने फिल कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पर भी वही डबल कर्व वाला पाथ देख सकते हैं और इस पर स्ट्रोक और फिल दोनों अप्लाई हुई हुई हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये भी एक पाथ है और इसे क्लोज पाथ कहते हैं। क्लोज पाथ में उस पाथ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही लोकेशन पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ क्लोज पाथ है और इस पर कोई स्ट्रोक और फिल अप्लाई नहीं की गई। इसी तरह यहाँ भी वही क्लोज पाथ है और इस पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक अप्लाई किया गया है, और यहाँ भी हम वही पाथ देख सकते हैं लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ फिल अप्लाई की गई है, और यहाँ हम वही क्लोज पाथ देख रहे हैं जिस पर स्ट्रोक और फिल दोनों अप्लाई किए गए हैं। यहाँ अडोबी इलस्ट्रेटर का एक और बहुत अहम कंसेप्ट आ गया जिसे कंपाउंड पाथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें शक्ल नज़र आ रही है ये एक कंपाउंड पाथ है। कंपाउंड पाथ दो या दो से ज़्यादा पाथ से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक पाथ दूसरे पाथ में होल या सुराख करता है। तो यहाँ हम एक कंपाउंड पाथ देख सकते हैं लेकिन इसमें स्ट्रोक और फिल अप्लाई नहीं किए गए। फिर हम यहाँ पर भी वही कंपाउंड पाथ देख सकते हैं लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक अप्लाई किया गया है। यहाँ पर भी हम वही कंपाउंड पाथ देख सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ फिल अप्लाई की गई है, और यहाँ पर भी वही कंपाउंड पाथ है जिस पर फिल और स्ट्रोक दोनों अप्लाई किए गए हैं। तो अभी हमने एक पाथ की 16 हालतें डिस्कस की हैं। अगर हम यहाँ पर किसी पाथ को ब्लैक एरो टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पाथ, और अगर हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड पाथ, और इसी तरह अगर हम इस ओपन पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी पाथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड पाथ आखिर होता क्या है। तो इस कंपाउंड पाथ पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये अपनी आइसोलेशन मोड में चला जाएगा। आइसोलेशन मोड को हम बहुत डिटेल से अपने कोर्स में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखें
कि अगर हम इस आइटम पर क्लिक करते हैं तो इस कंपाउंड पाथ के अंदर वाला पाथ सेलेक्ट हो चुका है, और अगर हम इसको मूव करके थोड़ा साइड पे ले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि असल में ये भी एक पाथ है जो कि फील्ड है। इसको थोड़ा सा और बाहर ले जाते हैं तो ये देखें, असल में कंपाउंड पाथ दो पाथ से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है कि एक पाथ जो होता है वो दूसरे पाथ के अंदर होल या सुराख कर देता है। तो अगर हम इस पाथ को बिल्कुल पीछे वाले पाथ के ऊपर लेके आते हैं तो हम देख सकते हैं कि सामने वाले पाथ ने पीछे वाले पाथ में एक सुराख या होल कर दिया है। अभी हम किसी एम्प्टी एरिया पर डबल क्लिक करने से आइसोलेशन मोड में से बाहर आ जाते हैं, तो अब हमारे पास नॉर्मल मोड आ गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस ऑब्जेक्ट में भी हमें होल या सुराख नज़र आए तो वो एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है, जो कि असल में दो पाथ होते हैं जिनमें से एक पाथ जो है वो दूसरे पाथ में होल या सुराख कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम एक बार दोबारा दोहराते हैं कि अडोबी इल्यूस्ट्रेटर में हर वेक्टर ड्राइंग पाथ से मिलकर बनी होती है, और उस ड्राइंग में हर पाथ यहाँ पर मौजूद 16 हालतों में से किसी एक हालत में मिलता है, इसके अलावा पाथ किसी और हालत में नहीं मिलता। अडोबी इल्यूस्ट्रेटर की हर ड्राइंग पाथ और उस पाथ पर स्ट्रोक फील्ड या स्ट्रोक और फील्ड दोनों लगाकर बनाई जाती है, और पाथ से मिलकर बनी हुई ड्राइंग को ही वेक्टर ड्राइंग कहते हैं। तो ये थी हमारी अडोबी इल्यूस्ट्रेटर में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पाथ पर डिस्कशन। थैंक यू।